गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम LLB पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की जो क्लास चल रही है, हमने उससे पहले पढ़ा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट समाप्त हो चुका है, क्लोज हो गया। आज हम बात करेंगे नए एक्ट के बारे में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, यानी कि माल विक्रय अधिनियम 1930 के बारे में। माल विक्रय अधिनियम 1930 किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले कि एक्ट क्यों बना है, किस लिए बना है, उसका क्या ऑब्जेक्ट है, क्या इस एक्ट के बनने से पहले भी कोई व्यवस्थाएं थी जो इस प्रकार के व्यवहार को कंट्रोल करती थी या नियंत्रित करती थी। तो इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो माल विक्रय अधिनियम का जो एक्ट है वो 1930 का बना हुआ है। अब यह कि माल विक्रय अधिनियम 1930 बना, इससे पहले कोई व्यवस्थाएं थी क्या? वस्तुओं के विक्रय के संबंध में कोई कानून था, कोई लॉस था, कोई रेगुलेशन था? तो हाँ, हम कहेंगे ये रेगुलेशन था। कहाँ पर था? जो हम पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 का, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है अपना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 के अंतर्गत वस्तुओं के विक्रय से संबंधी कानून दिया गया था। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 में तो बहुत से सेक्शन है भाई, कहाँ पर दिया गया था? तो जो अध्याय लेसन नंबर 7 है, 7वें अध्याय के अंतर्गत जो चल संपत्ति है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके सेल से संबंधित नियमों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या किया गया था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में व्यवस्था की गई थी। तो क्या हो गई उसकी हिस्ट्री हो गई। जैसे हमने पहले क्या क्वेश्चन अराइज हुआ था हमारे दिमाग में कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट से पहले भी कोई व्यवस्था थी क्या? तो हाँ भाई, ऐसी व्यवस्था थी वस्तुओं के विक्रय के संबंध में। कहाँ पर थी? कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर नंबर 7 में व्यवस्था दी गई थी। अब बात आ रही है कि 7 नंबर में था। अब उस समय क्या था कि क्यों ऐसे नियमों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये नियम बनाए गए थे, या खुला बाजार था, या किस प्रकार के विषय थे? तो हमें पता है कि जो इंग्लिश लॉ था, इंग्लिश लॉ के जो नियम थे जो आवश्यकता पूर्ति करते थे इंडिया के अंतर्गत, तो उन नियमों को भी क्या कर दिया जाता था? एज इट इज़ इंडिया में अप्लाई कर दिया जाता था। क्योंकि इस जो लेसन था, ये जो सेक्शन थे, उसमें क्या थे? खुले बाजार से संबंधित नियम थे। लेकिन अधिकांश नियम कौन से थे? जो इंग्लिश कानून के जो नियम दिए गए हैं वही थे जो वहाँ पर वर्तमान में थे, लेकिन इंडिया की जो स्थिति उससे मेल नहीं खाते थे। समय समय धीरे धीरे चलता रहा कि वही एक्ट लगा हुआ है, वो चल रहा है सेक्शन, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और कमी महसूस होने लगी कि ऐसा क्या है, कोई एक्ट होना चाहिए जो आधुनिक हो, जो व्यापार की, जो बिजनेस का जो प्रपज है, जो रिलेशनशिप है, उनको साथ साथ आधुनिक व्यापार के संबंधी नियमों को भी आप चला सको। लेकिन वो तो नियम क्या थे? वो पुराने थे, आज वर्तमान की स्थिति में वह सेटअप नहीं हो रहे थे। तो क्या आवश्यकता महसूस की गई कि आधुनिक व्यापार संबंधों को साथ साथ चलाया जा सके? तो जो सेल ऑफ गुड्स के बारे में जो कानून है, मुख्य रूप से किसे संबंधित है? बिजनेस के जो वर्क है, यानी कि जो व्यापारिक कार्य हैं, बिजनेस है, उनसे संबंधित दिए गए हैं। तो कोई संदेह नहीं है अपने इस बात के बारे में कि 50 वर्षों से व्यापार और वाणिज्य की दशा में बहुत परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया हो गया है, अब हर काम बिजनेस से हो रहा है, जगह जगह इंडस्ट्री बन रही है, जगह जगह मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है। तो इसके लिए नियमों का बदलाव भी बहुत ज़रूरी है और व्यापार करने के तरीके भी बदले हैं। तो इन सब को देखते हुए एक नए कानून की आवश्यकता महसूस की गई और भारत के जो कोर्ट है, अपने जो इंडियन कोर्ट है, उन्होंने भी पाया कि जो पुराना कानून है अब अपर्याप्त है, अनसफिशियंट है। कई अवसरों पर तो न्यायालय को क्या करना पड़ा, नए जो नियम हैं, नए नियम हैं उनको, सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करना जरूरी हो गया। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए क्या कर दिया गया? 1930 सेल ऑफ गुड्स पारित कर दिया गया। क्योंकि भारत का जो व्यापार है अन्य देशों के विषय है कि हर जो देश है वो क्या करता है, एक दूसरे से व्यापार करते हैं, माल का क्रय होता है, विक्रय होता है, आयात होता है, निर्यात होता है। तो इन संबंधों में यूनिफॉर्मिटी लाना अनिवार्य था, इसके लिए क्या कर दिया गया। लेकिन जो रचयिता थे, उन्होंने क्या किया, जो अंग्रेजी माल विक्रय अधिनियम के उन उपबंधों जहाँ यदि वे इंडियन
जो स्थिति है अपने भारत में जो उपयुक्त पाए गए हैं यानी कि जो वहाँ पर लागू हो सकते हैं उनको अपनाया गया, नहीं तो कुछ नियम वर्तमान अधिनियम के अनुसार उनमें कुछ परिवर्तन करके ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अन्य भागों में जो लागू था वही क्या कर दिया गया, भारत में लागू कर दिया गया। तो इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। सेकंड टॉपिक क्या लिखा जाए, द लॉ रिलेटेड टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स प्रायर टू 1930 के, ये भी हमने पढ़ लिया कि 1930 से पहले क्या स्थिति थी माल के क्रय और विक्रय के बारे में। वर डिलीट बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हमने पढ़ा कि पहले ये कहाँ व्यवस्था थी, तो 1872 में थी, सेक्शन जो लेसन नंबर 7 है। तो 76-123 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज रिपील्ड एंड, यानी क्या कर दिया गया, उसको अब निरस्त कर दिया गया है। वहाँ पर क्या कर दिया कि ये उपबंध अब क्या है, इस पर अप्लाई नहीं होंगे, इसके लिए नया एक्ट बन गया है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1913। अब आता है सेपरेट एक्ट नॉन एज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वाज पास्ड, यानी कि अब नया एक्ट पारित कर दिया गया है। अब नया एक्ट पारित कर दिया गया है तो उस पारित करने की एनफोर्स डेट क्या होगी, ये कब से ये जो नियम कानून है वो सब पर लागू होंगे, तो वह डेट 1 जुलाई 1930। बहुत ईजी याद करने का है कि हमारी जो स्कूल्स है कॉलेज है कब स्टार्ट होते हैं, 1 जुलाई को स्टार्ट होते हैं, तो हमें गुड्स का जो सेल भी कब करना है, 1 जुलाई को करना है। तो 1 जुलाई 1930 को क्या हो गया, एनफोर्स हो गया। एनफोर्स का मीन होता है किसी भी विधि को वहाँ पर लागू होना, बंद हो गया लेकिन वो सब पर नियम कब से लागू होंगे बिजनेस के पर्पज़ पर, तो वह 1 जुलाई 1930 को। ये जो लिखा हुआ है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब क्या है कि जो भी अधिनियम है जो भी लॉज है संपूर्ण भारत पर लागू है, ये पहले के जो एक्ट हैं वो छपे हुए हैं, तो इनमें चेंज नहीं आया गया, गजेटेड जो अपने पत्र होते हैं उनमें प्रकाशित कर दिया गया है। द एक्ट कवर्स ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, ये जो एक्ट है वह सिर्फ चल संपत्ति से संबंधित वस्तुओं पर ही लागू होगा, अन्य पर लागू नहीं होगा। तो क्या होगा, एक इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ ली हमने, डिलीट कैसे हुआ, सारा कुछ कैसे हुआ, तो ओनली एक्ट कवर्स ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, ओनली सबको कर रहा है। अब बात आती है कि जैसे कि अब हम पढ़ते हैं कि एक्ट खुल गया, तो एक्ट पर आता है कि सेल ऑफ गुड्स 1930 की उसका संख्या क्या, जब आप आरजेएस की या कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस एक्ट का संख्यांक क्या है, तो इसका संख्यांक क्या है, 3 है। फिर बात आ जाती है कि राष्ट्रपति की, जब आप देखते हैं द राइट साइड में कि राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली है, तो उसकी भी डेट यहाँ पर लिखी हुई होती है 15 मार्च 1930। इसके बाद जब आप एक्ट खोलते हो तो किसी भी एक्ट यदि कोई भी बनता है या कोई भी आप कार्य करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट लेकर चलते हैं, किस ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा कार्य किया गया है, तो ऑब्जेक्ट से संबंधित ऑब्जेक्ट क्या आएगा, ये भी आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि एक्ट तो आपने पढ़ लिया लेकिन एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या था, तो एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंतर, कि माल के विक्रय से संबंधित विधि को किसके करने के लिए परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियम बना है, कि डिफाइंड एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द सेल ऑफ गुड्स इट इज़ हेयर बाई एनेक्टेड इज फॉलो, जो यहाँ पर अधिनियमित किया जा रहा है। इसके बाद कितने इसके सेक्शन हैं, कितने चैप्टर हैं, क्या डिवाइडेशन है, तो इसके अंदर 7 चैप्टर है और 66 क्या है जो धाराएं हैं यानी कि सेक्शन हैं, इनको हम सबको पढ़ेंगे। तो ये बात आ गई, ओवरऑल सब जो टॉपिक है ये अपने कवर हो चुके हैं। अब बात आ रही है डेफिनेशन का क्लोज पढ़ेंगे। हमेशा जो डेफिनेशन का क्लोज इंपॉर्टेंट रहता है हर एक्ट के अंतर्गत, क्यों, कि आप जो भी वर्ड्स जो भी आगे आएंगे एक्ट के अंतर्गत उनका जो मीनिंग होता है उनका अर्थ क्या होगा लॉ के संदर्भ में वह पहले से ही डिफाइन रहता है। तो डेफिनेशन क्लोज को आराम से पढ़ेंगे हम। डेफिनेशन में क्या क्या पढ़ेंगे, गुड्स क्या है, डिलीवरी क्या होती है, कीमत क्या है, बायर फॉर ए पर्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड व्हेन देयर इज एन ऑफर और टू बाई और सेल, या तो आप बाई करेंगे या सेल करेंगे तभी क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा। गुड्स फॉर ए प्राइस, कीमत क्या होगी, उसको स्वीकार कर लिया गया है ऑफर को, इट कैन बी मेड इन राइटिंग और बाई वर्ड ऑफ माउथ और पार्टली, यानी कि लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, पार्टली भी हो सकता है, राइटिंग एंड पार्टी बाई माउथ। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज जेनरिक टर्म विच इंक्लूड्स, क्या मानता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंतर्गत दो टर्म्स हम पढ़ेंगे, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि विक्रय और विक्रय करने का करार, तो ये डेफिनेशन क्लोज है जो हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 के अंतर्गत। तो आज हमने देख लिया ओवरऑल कि कैसे एक्ट आया है, इसमें क्या व्यवस्थाएं हैं, किस ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया है। अगली क्लास में हम बात करेंगे डेफिनेशन क्लोज की। तब तक के लिए थैंक यू।